हम जब भी टीवी खरीदते हैं तो उसकी पिक्चर क्वालिटी को बहुत अच्छे से चेक करते हैं, लेकिन उस टीवी से आने वाला ऑडियो हमारे लिए बहुत लो प्रायोरिटी पे होता है। अगर कोई टीवी अच्छा साउंड करता भी है तो सिर्फ उतना कि हम टीवी से आने वाले कंटेंट को अच्छे से एंजॉय कर पाएं, लेकिन वो सिनेमैटिक साउंड जो एक होम थिएटर दे सकता है वो हमें किसी टीवी से नहीं मिलती। तो अगर आप भी उनमें से हैं जो अपने एवरेज साउंड करने वाले टीवी के लिए एक अच्छा होम थिएटर लेना चाहते हैं और कंफ्यूज्ड हैं, तो ये वीडियो है आपके लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 होम थिएटर सिस्टम्स हर बजट में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं 5,000 रुपये से लेके 30,000 रुपये तक के होम थिएटर्स कवर करूंगा जो मैंने खुद टेस्ट किए हैं। मैं किसी ब्रांड का स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं चलाता और ना ही मुझे कोई फ्री रिव्यू यूनिट्स मिलते हैं, क्योंकि मैं अपने रिव्यूज़ के अंदर अच्छी अच्छी बातें बोलने के बजाय अनकंफर्टेबल सच बोलना ज़्यादा पसंद करता हूँ। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैं यूट्यूब पर ग्रो कर सकूँ। इससे पहले कि मैं आपको टॉप 5 होम थिएटर्स बताऊं, आपके लिए होम थिएटर्स के बारे में 5 बातें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका होम थिएटर लेने का पर्पस अपने टीवी की आने वाली ऑडियो को थोड़ा सा एनहेंस करने का है, तो आपको होम थिएटर की नहीं एक साउंड बार की ज़रूरत है। एक बजट साउंड बार भी आपके टीवी के ऑडियो को एनहेंस करके आपके एक्सपीरियंस को शानदार बना सकती है। एक छोटा रूम जिसमें बहुत सारा फर्नीचर और सामान हो, उसमें भी शायद आपको होम थिएटर की ज़रूरत नहीं है, आपको एक साउंड बार ही काफ़ी है। और किसी भी होम थिएटर या साउंड बार की वॉटेज पर मत जाइए। कम वॉटेज वाला साउंड सिस्टम भी बहुत अच्छी साउंड दे सकता है और आपके एक्सपीरियंस को शानदार बना सकता है। एक महंगा होम थिएटर लेने से पहले आप उसकी कनेक्टिविटी ऑप्शंस को ज़रूर चेक करें और अपने टीवी के साथ मैच करके ज़रूर देखें। अगर आपके टीवी के अंदर HDMI, ARC या ऑप्टिकल ऑडियो पोर्ट है, तो अपने होम थिएटर के अंदर भी यही सब पोर्ट्स देखें, उसके बाद ही खरीदें। एक महंगे एम्पलीफायर पे इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि किसी ने आपको रेकमेंड किया है। आप उसे खरीदें अगर आपके सिस्टम को उसकी ज़रूरत हो और आप उसे यूटिलाइज करना जानते हों। डॉल्बी ऑडियो, डॉल्बी डिजिटल और डॉल्बी एटमॉस बहुत ही शानदार ऑडियो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिनको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं एक अच्छे होम थिएटर सिस्टम से। लेकिन सिर्फ होम थिएटर सिस्टम खरीद लेने से आप इनको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। स्पीकर्स की सही प्लेसमेंट भी उतनी ही ज़रूरी है, और अगर आप स्पीकर्स की सही प्लेसमेंट नहीं कर सकते तो आपके लिए होम थिएटर सही नहीं है। मेरी लिस्ट में 5,000 तक की रेंज का बेस्ट होम थिएटर सिस्टम है फेंडा का 3800X। इस सिस्टम के अंदर आपको 2 साइड स्पीकर्स मिलेंगे, एक फ्रंट वोकल स्पीकर मिलेगा, 2 रियर सराउंड स्पीकर्स मिलेंगे और एक सबवूफर यूनिट मिलेगा। इस सिस्टम में आपको स्पीकर्स मिलते हैं 3 इंच के फुल रेंज ड्राइवर्स के साथ, जिनका मैक्सिमम आउटपुट है 10 वॉट्स। इसमें आपको 5.25 इंच का सबवूफर भी मिलेगा, जिसका मैक्सिमम आउटपुट है 30 वॉट, जो बनाता है इस पूरे सिस्टम के टोटल आउटपुट को 80 वॉट्स का। इस सिस्टम में आपको कोई एम्पलीफायर नहीं मिलेगा और ना ही इस सिस्टम को एक एम्पलीफायर की ज़रूरत है। इस सिस्टम में आपको एक रिमोट कंट्रोल मिलता है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो ये आता है SD कार्ड, USB ड्राइव और एक ऑक्स इनपुट के साथ। इस सिस्टम में आपको मिलता है ब्लूटूथ 4.0 और ये आता है FM रेडियो के साथ। एक अच्छी बजट ऑप्शन बहुत अच्छे प्राइस में, ये FND का 5.1 स्पीकर सिस्टम होम थिएटर नहीं है, एक मल्टीमीडिया स्पीकर सिस्टम है, पर एक होम थिएटर की तरह यूज़ करा जा सकता है अपने टीवी के साथ AV केबल से अटैच करके। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो 32 से 40 इंच के टीवी में साउंड इम्प्रूव करना चाहते हैं और साथ ही एक अच्छे म्यूज़िक सिस्टम का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं। इस स्पीकर सिस्टम का साउंड आउटपुट एक छोटे रूम जिसमें 32 इंच का टीवी लगाया जा सके, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छी बेस, अच्छा आउटपुट, कलर डिस्प्ले और अच्छी लुक्स। पर यह स्पीकर सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट भी नहीं है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम करती है, फ्रंट स्पीकर्स और वोकल स्पीकर्स में से आवाज़ सेम आती है और कभी कभी बेस थोड़ा ओवर हो जाता है। पर फिर भी मैं इसे बहुत अच्छा कहूँगा, क्योंकि ये किसी टीवी के साथ अटैच होके मूवीज़ देखने का मज़ा दुगना कर देगा। और जिन टीवीज़ की वॉल्यूम बढ़ाने पर भी आवाज़ ज़्यादा नहीं आती, उन टीवीज़ के लिए तो ये स्पीकर सिस्टम एक कम रेंज में तोहफा है।
मेरी लिस्ट में 10,000 से नीचे आता है फिलिप्स का SPA-8000B। इस सिस्टम के अंदर आपको दो साइड स्पीकर्स मिलेंगे, दो बैक सराउंड स्पीकर्स मिलेंगे, एक फ्रंट वोकल स्पीकर मिलेगा और एक सबवूफर यूनिट मिलेगा। इस सिस्टम में आपको स्पीकर्स मिलेंगे 3 इंच के फुल रेंज ड्राइवर्स के साथ जिनका टोटल आउटपुट है 15 वॉट। इसमें आपको 8 इंच का सबवूफर यूनिट भी मिलेगा जिसका टोटल आउटपुट है 45 वॉट, जो बनाता है इस सिस्टम के टोटल साउंड आउटपुट को 120 वॉट्स का। इस सिस्टम में आपको कोई एम्पलीफायर नहीं मिलेगा और ना ही उसकी जरूरत है। इस सिस्टम के साथ आपको मिलेगा एक फुल्ली फंक्शनल रिमोट कंट्रोल। अब कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो इसमें आपको मिलता है SD कार्ड, USB ड्राइव और RCA इनपुट ऑप्शन। ये सिस्टम आता है ब्लूटूथ 4.1 के साथ और इसमें आपको मिलता है FM रेडियो ऑप्शन। बजट रेंज की एक बेहतरीन ऑप्शन। अगर आप बेस लवर हैं और कम रेंज में सिनेमैटिक साउंड का मजा लेना चाहते हैं तो ये स्पीकर सिस्टम बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। मैं दंग रह गया इस सिस्टम की साउंड आउटपुट देख के। 45 वॉट का सब वूफर इतनी शानदार बेस प्रोड्यूस करता है कि आप 70% से ज़्यादा सुन नहीं पाएंगे। आप अगर इस स्पीकर सिस्टम को अपने रूम में ढंग से फिट करें, सराउंड स्पीकर्स को पीछे जगह दें, तो कोई कह नहीं सकता कि एक मल्टीमीडिया स्पीकर सिस्टम है, होम थिएटर नहीं। 32 इंच से लेकर 50 इंच तक के टीवी के साथ ये स्पीकर सिस्टम मेरे हिसाब से एक परफेक्ट चॉइस है 10,000 से कम बजट में। सराउंड स्पीकर्स को सुन के मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये सिस्टम इतनी अच्छी सराउंड साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, पर यहाँ भी वोकल और फ्रंट स्पीकर्स में कुछ खास फर्क नहीं है। इस सिस्टम के इनबिल्ट एम्पलीफायर से मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करने लगा था शायद। इस सिस्टम को आप अपने टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं RCA केबल की मदद से और आउटपुट को आप और अच्छा कर सकते हैं अपने सेट टॉप बॉक्स से इस सिस्टम को कनेक्ट करके। मेरी लिस्ट में 15,000 से नीचे बेस्ट होम थिएटर है सोनी का HT3 मॉडल। इस सिस्टम में आपको दो साइड स्पीकर्स, दो रियर सराउंड स्पीकर्स, एक फ्रंट वोकल स्पीकर और एक सबवूफर यूनिट मिलता है। इस सिस्टम में आपको स्पीकर्स मिलते हैं 2.5 इंच के फुल रेंज ड्राइवर्स के साथ और एक 6 इंच का सबवूफर यूनिट भी मिलता है। सोनी अलग अलग साउंड आउटपुट नहीं बताता, लेकिन टोटल साउंड आउटपुट आपको मिलता है इस सिस्टम में 600 वॉट्स का। इस सिस्टम में आपको कोई अलग से एम्पलीफायर नहीं मिलता और ना ही उसकी ज़रूरत है। इस सिस्टम में आपको एक फुल्ली फंक्शनल रिमोट कंट्रोल मिलेगा। अगर कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो इस सिस्टम में आता है USB इनपुट, HDMI ARC और एक ऑप्टिकल इनपुट। ये सिस्टम आता है ब्लूटूथ 4.2 के साथ और इसमें आपको मिलेगी NFC भी। यहाँ से शुरू होते हैं एक्चुअल 5.1 चैनल होम थिएटर सिस्टम। और क्या गजब का सिस्टम है ये सोनी का। कलर कोडेड वायर्स, HDMI ARC कनेक्शन, डॉल्बी डिजिटल ऑडियो और सोनी की फेमस क्लियर ऑडियो प्लस टेक्नोलॉजी। और ये तो बस शुरुआत है। चाहे सोनी अलग अलग साउंड आउटपुट बताए या ना बताए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस होम थिएटर की साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इसकी स्पेसिफिकेशंस को जान के भी मुझे कोई एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। क्या बेस, क्या ट्रेबल और क्या सराउंड साउंड, शानदार नहीं कहूँगा इसे, ये ज़बरदस्त होम थिएटर है। मैंने 10,000 से कम का भी सोनी टेस्ट किया था, उसे नहीं चुना क्योंकि उसकी ट्रेबल तो अच्छी थी पर बेस इतना अच्छा नहीं था। और इस सिस्टम को टेस्ट करते समय यही सोच रहा था कि इसमें भी शायद वही प्रॉब्लम होगी, पर बिल्कुल नहीं। अपनी खुद की पेनड्राइव में एवेंजर्स को चला के सुना है मैंने इस सिस्टम में, और मेरा बस चलता तो उठा के ले आता इस सिस्टम को वहाँ से। साउंड बार शेप की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि बहुत प्रीमियम लगता है ये सिस्टम। वोकल्स बिल्कुल क्लियर हैं, फ्रंट स्पीकर्स बहुत सही हैं और सराउंड स्पीकर्स ज़बरदस्त हैं। और डॉल्बी डिजिटल को भी आप एक्सपीरियंस करेंगे इस होम थिएटर में। इसे आप अपने 50 इंच या उससे ऊपर के साइज़ वाले टीवी से कनेक्ट करें और सिनेमैटिक साउंड का आनंद लें। पर दो चीज़ें हैं जिनसे मैं इम्प्रेस नहीं हुआ। सोनी ने सिर्फ एक ही HDMI इनपुट दिया है। अगर मुझे सेट टॉप बॉक्स, फायर स्टिक या प्लेस्टेशन कनेक्ट करना हुआ तो मैं कहाँ करूँगा। और मुझे USB और HDMI से आने वाले ऑडियो आउटपुट के अंदर काफ़ी फ़र्क लगा, जबकि ब्लूटूथ में क्वालिटी लगभग HDMI जैसी ही थी। पर फिर भी मैं इसे एक आइडियल होम थिएटर सिस्टम कहूँगा अगर आपका इतना बजट है और आप सराउंड स्पीकर्स बैक वॉल पर लगा सकते हैं और आप एक HDMI पोर्ट से गुजारा कर सकते हैं तो। मेरी लिस्ट में 20,000 से नीचे बेस्ट होम थिएटर है सोनी का HT RT40। इस सिस्टम के अंदर आपको दो साइड स्पीकर यूनिट्स मिलते हैं।
दो सराउंड टॉल बॉय स्पीकर यूनिट्स मिलते हैं, एक फ्रंट वोकल स्पीकर यूनिट मिलता है और एक सब वूफर यूनिट मिलता है। इस सिस्टम में आपको स्पीकर्स मिलते हैं 2.5 इंच के फुल रेंज ड्राइवर्स के साथ और एक 6 इंच का सबवूफर यूनिट भी मिलता है। सोनी अलग अलग साउंड आउटपुट नहीं बताता, बट इस सिस्टम का टोटल साउंड आउटपुट है 600 वॉट्स। इस सिस्टम में आपको कोई एम्पलीफायर नहीं मिलता और ना ही उसकी जरूरत है। इस सिस्टम में आपको एक फुल्ली फंक्शनल रिमोट कंट्रोल मिलेगा। अगर कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो इस सिस्टम में आपको मिलता है यूएसबी इनपुट, एचडीएमआई एआरसी और एक ऑप्टिकल इनपुट। इस सिस्टम में आपको मिलेगा ब्लूटूथ 4.2 और साथ में मिलेगा एनएफसी। इस सिस्टम की लुक्स अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो आपको ये बता दूं कि असल में देखेंगे तो आप इसे 10 गुना ज़्यादा पसंद करेंगे। सोनी RT3 से सिर्फ 4000 रुपये ज़्यादा में आपको ये टॉल बॉय स्टैंड में फिटेड सराउंड स्पीकर्स मिलते हैं, जिसे कोई भी आपके घर में एक बार देखेगा तो चलाने को ज़रूर कहेगा। 600 वॉट RMS का टोटल आउटपुट और ऑडियो क्वालिटी बिल्कुल वही है जो सोनी RT3 की है, क्योंकि बेसिकली ये वही सिस्टम है, वही एम्प लगा है, बस टॉल बॉय स्टैंड एक्स्ट्रा है। बट आई हैव टू से, बॉय ओ बॉय, क्या लुक्स हैं स्टैंड के साथ इस सिस्टम की। अगर मेरा बजट 15,000 है और मेरे रूम में इस टाइप के स्पीकर्स रखने की जगह है तो मैं कुछ भी करके अपना बजट बढ़ाऊंगा और यही सिस्टम लूंगा। पर मेरे हिसाब से ये होम थिएटर सिस्टम बेडरूम के लिए सही नहीं है, क्योंकि आप सराउंड स्पीकर्स के स्टैंड की प्लेसमेंट अपने बेडरूम में ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं इस सिस्टम को एक हॉल के लिए सूटेबल मानता हूँ। मेरी लिस्ट में अंडर 30,000 बेस्ट होम थिएटर बनता है यामाहा का YHT 1840। इस सिस्टम में आपको दो साइड स्पीकर यूनिट्स मिलते हैं, दो बैक सराउंड स्पीकर यूनिट्स मिलते हैं, एक फ्रंट वोकल स्पीकर यूनिट मिलता है और एक सबवूफर यूनिट मिलता है। इस सिस्टम में आपको स्पीकर्स मिलते हैं 2.75 इंच के फुल रेंज ड्राइवर्स के साथ और उनका टोटल साउंड आउटपुट है 100 वॉट्स। इसमें आपको 6.5 इंच का सबवूफर यूनिट भी मिलता है, उसका भी साउंड आउटपुट है 100 वॉट्स। इस सिस्टम का टोटल साउंड आउटपुट बनता है 600 वॉट RMS। USB इनपुट, ऑप्टिकल इनपुट और HDMI ARC के अलावा आपको चार और HDMI इनपुट्स मिलते हैं इस सिस्टम में अपने सेट टॉप बॉक्स या गेमिंग कंसोल को लगाने के लिए। इसमें आपको एक हेडफोन जैक भी मिलेगा, लेकिन अफसोस इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। Dolby Digital, Dolby Digital Plus, 4K compatibility, HDR and HLG playback, ये मैं किसी TV की नहीं, एक असली होम थिएटर सिस्टम की बात कर रहा हूँ। कोई भी 4K कंटेंट को ये होम थिएटर सिस्टम प्ले करेगा उसी साउंड टेक्नोलॉजी में जिसके साथ वो वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। साउंड क्वालिटी की बात करना, लोज, मिड्स या हाईज को बताना इस होम थिएटर के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सब कुछ इतना परफेक्ट है कि मैं कुछ भी बोलूँगा तो वो कम ही होगा। मैंने या तो यामो के होम थिएटर्स इतने परफेक्ट देखे हैं या फिर यामाहा के। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सोनी की साउंड ज़्यादा अच्छी थी या यामाहा की, क्योंकि दोनों 600 वॉट RMS आउटपुट के साथ आते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि सोनी RT40 कहीं स्टैंड नहीं करता इस होम थिएटर की सराउंड कैपेबिलिटी और क्लैरिटी के आगे। आप वो इफेक्ट्स इस यामाहा होम थिएटर सिस्टम में नोट करेंगे जो आप सिनेमा हॉल में करते हैं। 4K प्लेबैक कैपेबिलिटीज, HDR और HLG सपोर्ट आपको सोनी नहीं देगा। अगर आप सोचते हैं कि आपके TV में भी डॉल्बी ऑडियो है और वो भी कुछ ऐसा ही होगा, तो मैं आपको बता दूं कि डॉल्बी डिजिटल का असली इफेक्ट अपने TV में ढूंढना उतना ही आसान है जितना रेगिस्तान में पानी ढूंढना। इस होम थिएटर में आपको चार HDMI पोर्ट्स मिलते हैं, जिससे आप अपना सेट टॉप बॉक्स, अपना प्लेस्टेशन या फायर स्टिक अटैच करके हर कंटेंट को शानदार ऑडियो एक्सपीरियंस के साथ देख सकते हैं। पर मेरी तो आदत है कमी निकालने की, जो मुझे इस सिस्टम में भी मिली। इस होम थिएटर में ब्लूटूथ नहीं है, जो आज के टाइम में बड़ी हैरानी की बात है। और यामाहा के इससे ऊपर के मॉडल में एकूस्टिक एनालाइजर भी आता है, जिससे स्पीकर्स रूम के एकूस्टिक को अपने आप जज करके अपनी साउंड को एडजस्ट करते हैं, और वो इस मॉडल में नहीं है। पर फिर भी मुझे खुशी है कि मैंने इस सिस्टम को सोनी RT40 के बाद टेस्ट किया था, वरना मैं सोनी को ठीक से रिव्यू कभी नहीं कर पाता। इन होम थिएटर सिस्टम्स के ऑनलाइन प्राइसेस अभी कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा वेट करेंगे या सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद ऑफलाइन ट्राई करेंगे तो आपको सही प्राइस मिल जाएगा।
इनमें से कोई भी होम थिएटर सिस्टम डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि वो शुरू होते हैं 50,000 रुपए से। मैं इसी तरीके का वीडियो साउंड बार्स के बारे में भी बना रहा हूँ और मैं लेके आऊंगा उसे अगले हफ्ते। मेरे साथ जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस वीडियो को मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।